जी महिमा है उंक से उंक भगवान की। जिसको ईश्वर व परम पिता परमात्मा कहते हैं वो रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। इसको बात ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच की सृष्टि पर कहा जाता है। साकार सृष्टि की ही बात है, इस दुनिया में ही ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहे जाते हैं। कंपैरिजन तो इसी दुनिया के लिए होता है। तो ये भी बताया है कि जो ऊंच से ऊंच बनता है वो नीच से नीच भी बनता है। इसका मतलब जब ऊंच से ऊंच कहा गया तो जरूर वो सुप्रीम सोल कोई में प्रवेश करता है जो नीच से नीच भी पार्ट बजाता है और ऊंच से ऊंची भी पार्ट बजाता है। नीचे नीच भाई किस लिए? ऊंची से ऊंची तो ठीक है, हीरो पार्ट धारी है तो ऊंची से ऊंची पार्ट बजाए। नीचते नीच इसलिए कि वो 500 करोड़ का बाप है। नीचते नीच पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्मा को भी उठा करके कहाँ ले जाने वाला? ऊंचे से ऊंची स्टेज में। जैसे कोई डूबा हुआ होता है तो उसको उठाने के लिए नीचे डुबक मारनी पड़ती है, गोता लगाना पड़ता है। जब तक वो नीचे नहीं जाएगा तब तक उसे उठाकर ऊपर नहीं ला सकता। तो प्रजापिता की जिम्मेवारी है, लेकिन इस जिम्मेवारी का भान कहाँ से होता है? प्रजापिता को अपने स्वरूप का भान कहाँ से होता है? कौन देता है? सुप्रीम सोल। और सुप्रीम सोल के प्रवेश करने से ही वो ऊंचे ऊंचे पार्टधारी कहा जाता है। वो रचयिता है इस मनुष्य शक्ति का। मनुष्य शक्ति साकार है या निराकार? शक्ति साकार है तो रचयिता कैसा होगा? रचयिता भी साकार होगा। मनुष्य शक्ति साकार की शुरुआत कहाँ से होती है? क्षत्रियों से या देवताओं से या शूद्रों से? देवताओं से शुरुआत, ब्राह्मणों से शुरुआत। मनुष्य शक्ति का पहला पहला सिजरा चलता है, शुरुआत होती है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों की राजा ही नहीं चलती है, लेकिन कुल तो होता है ना। तो ब्राह्मण मनुष्य शक्ति की जो शुरुआत है यानी रचना करने वाला है वो प्रजापिता है। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जा सकता। इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। कैसा पिता? परम पिता और बाद में परमात्मा। कभी ऐसे कहा जाता है परमात्मा फिर परम पिता? नहीं। क्यों? जैसे शिव शंकर, शिव पहले और शंकर बाद में, बाप पहले और दादा बाद में। माना बड़े को पहले रखेंगे फिर छोटे को रखेंगे। तो ऐसे ही परम पिता माना उस पिता का कोई पिता नहीं। प्रजापिता सबका मनुष्य शक्ति का पिता है, लेकिन उसका भी पिता कौन? शिव सुप्रीम सोल, उसका कोई पिता नहीं। तो वो हुआ परम पिता। फिर परम आत्मा, कैसी आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, परम पार्टधारी। तो रंगमंच पर परम पार्टधारी कौन होता है? मुख्य एक्टर कौन होता है? हीरो? हीरो होगा तो उसके साथ हीरोइन भी होगी। हीरो भी साकार और हीरोइन भी साकार।
इसका मतलब हुआ कि परम पिता, वो तो सुप्रीम सोल के लिए कहा गया, और परम आत्मा माना आत्माओं में परम पाठधारी। सुप्रीम सोल उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, कि किया जा सकता है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो सुपर पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्टधारी है, वो है परम आत्मा। इसलिए परम पिता सुप्रीम के लिए, सुप्रीम सोल के लिए कहा गया पहले, फिर बाद में है परम आत्मा, ये कहना चाहिए। अभी ऊंचे से ऊंचा बाप क्या करके करते हैं, कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। क्या कहा? पतित मनुष्य बुलाते हैं, आओ और हमको पावन बनाओ। अच्छा, जो ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण है वो तो नहीं बुलाते हैं, है? भक्त बुलाते हैं या ज्ञानी बुलाते हैं? भक्त बुलाते हैं। ज्ञानी तो जानते हैं कि परमात्मा बुलाने से कभी 63 जन्म आता ही नहीं, उसे तो अपने टाइम पर एक्यूरेट मुकर्रर समय पर आना है, बुलाने से नहीं आता। और भक्त क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, और आवाहन करने से भी आता नहीं है। इन्हें आवाहन करते हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे भक्त होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं। कहाँ, कैसे? है? अगर गुलजार दादी में ये समझ करके आह्वान करते हैं कि हम परमपिता परमात्मा बाप दादा को बुलाए रहे हैं, तो आह्वान तो करते हैं ना, बुलाते तो हैं ना, तो भक्त हुए या ज्ञानी हुए? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जब वो सुप्रीम सोल आता था तो बुलाने से आता था या अपने आप आता था? कतई आता था, बुलाया नहीं जाता था। जो मनुष्य आत्माएं होती हैं वो मान सम्मान लेने वाली होती है, सुप्रीम सोल मान सम्मान लेने वाला नहीं है। तो क्या साबित हुआ कि भक्त बेचारे बुलाते तो हैं लेकिन ये जानते नहीं हैं कि परमात्मा आया या कौन आया। जैसे बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में वो तो भूत प्रेतों की दुनिया है, उसमें देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। अब देवी देवताओं की दुनिया ही नहीं है तो देवी देवताएं आएंगे कहाँ से? उनमें जो आत्माएं प्रवेश करती है वो देवी देवताएं होती है या भूत प्रेत आत्माएं होती है? कौन होती है? वो तो भूत प्रेत आत्माएं होती है, लेकिन वो समझते क्या है कि देवी देवता आ गए। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा वैसे जो कुछ आया तो करते रहते हैं, बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, और पतित माना अपवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है, बरोबर वो आता है काय के लिए? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है ना, कि सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आता है कि आया और ज्ञान सुना के चला गया, फिर बाद में हम पावन बनते रहेंगे? ऐसे नहीं, आता है पतितों को पावन भी बनाता है संग के रंग से। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वो आता भी जरूर है ना, याद क्यों करते हैं? कुछ करके गया है ना, परिवर्तन करके गया है ना, जरूर पतितों को पावन बना के गया है। परंतु वो आएंगे तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना। भक्ति का फल क्या है? है? पहले पहले है भक्ति का फल ज्ञान। पहला वर्षा मिलता है आत्मा को,
आत्मा निराकारी तो उसका वर्षा भी निराकारी और जीवात्मा साकारी तो उसका वर्षा भी साकारी। पहले कौन सा वर्षा मिलेगा? पहले तो निराकारी आत्मा वो चैतन्य है, उसको प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ करने वाली कौन? आत्मा। तो आत्मा सुप्रीम सोल बाप से अपना वर्षा लेती है ज्ञान का। कैसे लेती है? भगवान बाप ने सुनाई दिया, उन्होंने सुन लिया, वर्षा मिल गया। ये सुनना सुनाना तो 63 जन्म से होता आया। आत्मा को वर्षा तब मिला कहेंगे जब आत्मा में वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति आ जाए। क्या मनन चिंतन मंथन की शक्ति आ जाए? जड़ शरीर 5 तत्वों के मनन चिंतन मंथन की शक्ति नहीं, ऐसे तो दुनियावी लोग भी कर लेते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नई शक्ति कैसे आएगी, ये मनन चिंतन मंथन जिसे कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। जो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, आत्मा का ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, वो मनन चिंतन मंथन का मादा जब आ जाए तो समझा जाए कि आत्मा को परमात्मा से पहला पहला बेसिक वर्षा मिला। तो फल देना अर्थात क्या देना? वर्षा देना। उनके लिए बहुत सहज है। इनके लिए परमात्मा के लिए मनन चिंतन मंथन का वर्षा देना बहुत सहज है। आत्माओं को, ये अभिमानियों को नहीं, जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। अगर बच्चे आत्मिक स्थिति में हो सकते हैं स्थित, तो कहते भी हैं कि जनक को 2 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है, 2 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य चाहते भी हैं शांति से और बड़ी आयु हो। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाली मृत्यु हो गए, पूरी आयु नहीं बिताई। अभी बाप जो कुछ करके गए हैं उनका गहन ही वास्तव में शास्त्र में होता है। 2 सेकंड में जीवन मुक्ति गायी हुई है, जरूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। जीवन मुक्त माना जीवन में भी रहे और आत्मा मुक्त भी अनुभव करे। ऐसे नहीं कि शरीर से आत्मा उड़ जाए फिर जीवन मुक्ति कही जाए, वो बात नहीं। जीवन रहते हुए ही आत्मा दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करे। न दुख लेना है और न दुख देना है। ये स्टेज अनुभव कहाँ होनी है? मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, अगले जन्म में। तो फिर ऐसा परमात्मा से वर्षा प्राप्त करने का फायदा क्या हुआ? मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ है? जन्म लिया है बच्चे ने तो जन्म लेने से ही साबित होता है कि उसको इसी जन्म में वो जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए। या कि बच्चा जन्म यहाँ ले इस जन्म में और बाप उसे कहे कि अगले जन्म में वर्षा ले लेना, ऐसे कहेंगे? नहीं। जब हम लिखते हैं बोर्ड पर कि मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ईश्वरीय जन्म कहाँ है? संगम युग में ईश्वरीय जन्म है ना, तो संगम युग में ही आत्मा ये फील करे, सुख का वाइब्रेशन बनाए।
ऐसी मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा की ज्ञानी की स्टेज हो कि आत्मा सुख अनुभव करे दुख अनुभव न करे। यहाँ तक कि दूसरी भी आत्माएं अगर संसर्ग संपर्क में आती हैं, उसके वायुमंडल में आती हैं, तो वो भी क्या अनुभव करें? सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें। जिसको कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ के बच्चे भी पारसनाथ पारसनाथ ही होंगे। तो जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है, माना सतयुग के मध्य में जो जन्म है या सतयुग के लास्ट में जो जन्म है, उनको वास्तव में जीवन मुक्त नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शरीर ही छूट गया और शरीर छूटने के बाद फिर अगले जन्म में जाकर के प्राप्ति हुई, तो उसको ईश्वर का वर्षा कहेंगे, ईश्वरीय जन्म से अधिकार कहेंगे या दैवीय जन्म से अधिकार कहेंगे? वहां तो देवताओं से जन्म होगा, ईश्वर से तो जन्म नहीं होगा। सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा तो उसे दैवीय जन्म कहेंगे या ईश्वरीय जन्म कहेंगे? दैवीय जन्म हुआ, उसको ईश्वरीय जन्म से सिद्ध अधिकार कृष्ण को मिला। सतयुगी बच्चे को ये नहीं कहा जाएगा। ये अधिकार कहाँ मिलता है? ये अधिकार यहाँ संगम युग पर बाप आकर के हमको प्रैक्टिकल देते हैं और एक सेकंड में देते हैं। अगर बच्चों की वो स्टेज बन जाए तो कहते हैं जनक मिसाल घर गृहस्थ में रह करके जीवन मुक्ति को पावे। बाप समझाते हैं अक्षर ही दो है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, प्राचीन माना पहला पहला, लेकिन कब पहला पहला भी कब ये मनुष्य नहीं जानते है? कौन से मनुष्य नहीं जानते? बाहर की दुनिया की, बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि पहले ही बता दिया कि तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ब्राह्मणों की छोटी सी दुनिया के अंदर ही बुद्धि बनी रही, वो पुरानी दुनिया तो पुराना जन्म की बात हो गई, अब हमको नया जन्म मिला है। इसे ब्राह्मणों की दुनिया में सारे 500 करोड़ दुनिया की शूटिंग हो गई, ब्रॉड शूटिंग भी इसी में समाई हुई है, रिहर्सल हो रही है। तो मनुष्य नहीं जानते कि प्राचीन माना कब, क्योंकि कल्प की आय लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। किससे बनता है भारत स्वर्ग? प्राचीन राजयोग और ज्ञान। अब तो भारत बहुत सुखी है, पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं। फिर उनको याद करते हैं कि वो राजयोग किसने सिखाया, वो ज्ञान किसने दिया, ये बात नहीं जानते। समझते हैं गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो कृष्ण ने दिया होगा, कौन समझते हैं है? ये बातें भी कौन समझते हैं? पहले भारत में ये जो संस्कृत की गीता लिखी हुई है उसमें तो गीता का भगवान कृष्ण ही माना गया है, लेकिन वो तो ब्राड ड्रामा हो गया, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ये रिहर्सल करने वाले कौन, जिन्होंने ये शूटिंग की, रिहर्सल की? गीता का भगवान कृष्ण है, साकार है, निराकारी स्टेज वाला नहीं है। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, किनके द्वारा पड़ता है? ये फाउंडेशन हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। जब तक ब्राह्मणों की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान कौन, गीता माता कौन चैतन्य में, और गीता पति भगवान कौन चैतन्य में, तब तक बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में ये बातें बैठ सकती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है? निराकार शिव को भी नहीं समझते हैं।
निराकार शिव का मतलब ये नहीं बिंदु, वो बिंदु तो कुछ करता नहीं है जब तक बिंदु रूप स्टेज में, वो बिंदु जब तक साकार में ना आए और निराकारी स्टेज को प्रत्यक्ष न करे तब तक वो संसार में परमात्मा बाप बनकर के प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, तो वो निराकार। निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं है, उसका गहरा अर्थ यह है निराकारी स्टेज वाला। धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं, उनके चित्र को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, निराकारी स्टेज चेहरे से झलकती है ना, वो तो है धर्म पिताएं। लेकिन उन बापों का भी बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा, एवर लास्टिंग, एवर प्योर कहा जाता है। एवर प्योर का भी कोई प्रूफ चाहिए, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी का भी प्रूफ चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो जो समझते हैं कि गीता में ज्ञान कृष्ण ने दिया होगा, उनको लाखों वर्ष हो गए, इसलिए प्रायलोक हो गया, नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाप के बने तो बच्चे के अधिकारी बने, फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है ना, मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कब कोई हो ही नहीं सकती, जब जीवन बंध का अंत हो तब जीवन मुक्ति की याद हो। जीवन बंध माना जीवन है लेकिन बंधा हुआ जीवन है, कैसे बंधा हुआ, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, मरण का दुख, ये जन्म जरा मरण का दुख शरीर के साथ बंधा हुआ है, तो कहेंगे जीवन मुक्ति, जीवन बंधन। ये तीनों ही बंधन से परे हो जाए जीवन में रहते हुए, जीवन मुक्ति की आदि ही तभी हो सकती है जब जीवन मुक्ति देने वाला आवे। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे वो तो जानते ही नहीं। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं क्या, तुम आत्माओं से क्या मतलब, 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, 500 करोड़ आत्माएं तो हैं, लेकिन सब आत्मिक स्टेज में टिकने वाली नहीं है। कितनी है सिर्फ आत्मिक स्टेज में टिकने वाली जो बाप से वर्षा लेती है, बाप जिनके सन्मुख होते हैं, सिर्फ 4.5 लाख जो है आत्मिक स्टेज में टिकने वाली, बाप से पूरा वर्षा लेती है जीवन के रहते रहते। तुम किससे कहा जाता है, सामने वाले से कहा जाता है, तो बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, दो अभिमानियों से बात नहीं करते जिनके जन्म कम होते हैं, कम जन्म लेने वाले दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकंड नारायण, फोर्थ नारायण, थर्ड नारायण, एट्थ नारायण, इनकी पूजा नहीं होती है। क्यों पूजा नहीं होती है, है? क्योंकि ये कम कलाओं वाले नारायण है, कम जन्म लेने वाले नारायण है, इन्होंने डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लिया है, ये पूरी आत्मिक स्टेज में स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए पूरे 84 जन्म नहीं ले पाते, आत्मा में डिफेक्ट रह जाता है, आत्मिक स्टेज में पूरे टिक नहीं पाते, इसलिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से। तो बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, ये है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं रूहों को। बाप तो सभी मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने ये ज्ञान दिया है, क्या वहां माना कहां है, अरे वहां माना कहां, सिर्फ बाहर की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की भी बात है, और बाहर की दुनिया का जो प्रतिरूप है जहां से तैयार होता है
तो ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में जिनका कॉन्सेशन देहधारी गुरुओं के ऊपर होता है कि गुरु जी ने हमको ये सुनाया, फलाने दादा दादी दीदी ने हमको ये सुनाया, तो उनकी बुद्धि में कौन रहता है? मनुष्य रहता है। मनुष्य की वाणी कभी भी 100% ज्ञान नहीं सुना सकती, उसमें जरूर कुछ न कुछ मिक्स होगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद विष का डाल दो तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो वहां तो सभी मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने ये ज्ञान दिया है। यहाँ तो है प्राचीन राज्य, और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था, कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा ज्ञान देने की बात नहीं, मनुष्य आत्मा से ज्ञान आता ही नहीं, ज्ञान तो आता ही है एक परमपिता परमात्मा से, बाकी सबसे अज्ञान आता है। 5000 वर्ष पहले दिया था, जिसे तुम तो देवी देवता बने थे, अभी वो ज्ञान प्रायः लोक हो गया है। प्रायः लोक हो गया माने ऐसे नहीं कि पूरे शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब झूठा है, नहीं, कुछ न कुछ आटे में नमक मिसल बचा हुआ है। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? ये शूटिंग ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में होती है। पहले जो वाणियां होती हैं शुद्ध होती है, जो बोला जाता है वो सन्मुख बोला हुआ वो बच्चे सुनते हैं, वो है एक्यूरेट वाणी। फिर टैप रिकॉर्ड से टैप होती है वाणी, वो है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? क्यों वो टैप भी एक्यूरेट तो सुनाएगा, एक्यूरेट वही आवाज होगी, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे, उसमें दृष्टि का फोर्स नहीं होगा, वो हाव भाव नहीं होंगे, तो अर्थ बदल जाएगा। तो वो सेकंड क्लास हुआ। और थर्ड क्लास, परमात्मा बाप ने जो सन्मुख सुनाया था उसको फिर मनुष्यों ने लिखा, तो लिखने में कुछ न कुछ गलती हो जाएगी ना, छापने में गलती हो जाएगी ना, वो फिर बैठ करके सुनाया, सुनाने वाले से गलती हो जाएगी, उसके वाइब्रेशन में फर्क पड़ जाएगा, फिर सुनने वालों के वाइब्रेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो दुनियावी वायुमंडल में बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं मधुबन के वायुमंडल में बैठे हुए, इसलिए वो हो गई थर्ड क्लास। जो कागज के पत्ते पढ़े जाते तो वो हो गए शास्त्र। तो 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, वो प्रायः लोप हो गया है। कहाँ शूटिंग होती है? शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। जो ओरिजिनल वाणी पहले मिलती थी ब्रह्मा के मुख के सामने बैठ करके, वो वाणी अब नहीं मिल सकती, वो ज्ञान प्रायः लोप हो गया, बात ही बदल गई, पुट होता रहा, एडिशन होता रहा और मनमत के आधार पर होता रहा, तो वाणियों में वो रस ही नहीं रह गया। 5000 वर्ष पहले की बात है, अगर लोप न हो तो सुनावे कैसे? क्या परमात्मा ने जो आदि में ज्ञान दिया था 5000 वर्ष पहले, शूटिंग पीरियड में भी 5000 वर्ष पहले कब कहेंगे? छत्तीस में, क्यों? छत्तीस में 60 वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया और 40 वर्ष दूसरे, तो 100 साल की ब्रह्मा की आयु कब पूरी होती है? 76। ये 76 में जैसे कि सती जी देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग का काम पूरा हो गया, 4 अवस्थाओं से पसार हो गया। 4 अवस्थाओं से पसार होना माना सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 आवृत्तियां पूरी हुई। ये 4 आवृत्तियां पूरी होना इसका मतलब एक कल्प पूरा हो गया। जो बात आदि में थी वही बात फिर अंत में संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है तब ही बाप को आना पड़ता, अगर प्रायः लोप ना हो तो आने की दरकार नहीं। प्रायः लोप का मतलब है? ये बात हुई।
सन 36 से लेकर के सन 76 तक या 84 जन्म हो गए, वो है हद के 84 जन्म मरण का चक्र। और यहाँ है बेहद का, ब्राह्मण बच्चा पैदा हुआ, बाप के ऊपर निश्चय हुआ, माना जन्म हुआ, और बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ गया, माना मृत्यु हो गई। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है ब्राह्मणों का। एक परमात्मा पार्टी ही ऐसा है जो इस निश्चय अनिश्चय के जन्म मृत्यु के चक्कर से परे रहता है, वो चक्र में नहीं आता। एक ही सितारा है जो चक्कर नहीं काटता, बाकी सब सितारे चक्कर काटते हैं। तो 84 जन्म लेने पड़ते हैं 25 बनने, इसका भी सारा वृत्तांत बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए, बताओ ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा मान बड़ी माँ, और फिर उसका बाप माना रचयिता, माता तो साकार होती है और बीज निराकार होता है, बाप निराकारी स्टेज वाला होता है। तो ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए, फिर कौन हुआ ब्रह्मा का बाप? ब्रह्मा तो साकार में होता है कि निराकार में होता है? ब्रह्मा साकार में होता है तो ब्रह्मा का बाप भी कैसा होना चाहिए? साकार ही होना चाहिए। ब्राह्मण साकार तो ब्राह्मणों का बाप भी साकार, तो कौन हुआ? तो बाबा तो कहा, लेकिन शिव बाबा में और शिव बाप में कोई फर्क है क्या? साकार निराकार का मेल, वो कहा जाता है ग्रैंड फादर, और बाप माने सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो बिंदु बिंदु आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं, तो दूसरे संबंध कैसे बन सकते हैं बिंदु बिंदु स्वरूप में? हाँ, जब वो ज्योति बिंदु बाप साकार शरीर में प्रवेश करता है तब ढेर के ढेर संबंध बन जाते हैं। उनमें ग्रैंड फादर का भी संबंध है जिसको बाबा कहा जाता है। इसलिए बताया कि ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए, तो कौन हुआ ब्रह्मा का बाप? प्रजापिता। इसलिए वाणियों में आया है कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिंक सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे, आज वो बच्चे यदि में है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। कौन से ज्ञान से विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे? है? जो ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बैठ बाप देते हैं, प्राचीन ज्ञान जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ये डबल मशीनरी हो गई। पहली मशीनरी क्या? शूद्र से ब्राह्मण बनने की, और फिर बाद में ब्राह्मण से देवता बनने की। तो 69 तक क्या कहेंगे, देवता बने या सिर्फ ब्राह्मण बने? नंबरवार पुरुषार्थ संसार पवित्रता के विरुद्ध को धारण करने वाले ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण बने ये नहीं कहा जाएगा उस ब्रह्मा के द्वारा कि ब्रह्मा द्वारा बैठे प्राचीन ज्ञान देते हैं जिससे विष्णुपुरी के मालिक बने। कोई कहेगा कि 69 के बाद कोई विष्णुपुरी का मालिक बना? नहीं, जरूर वही ब्रह्मा कोई ब्राह्मण बच्चों में फिर प्रवेश करता है, और जिन बच्चों में प्रवेश करता है उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मा की फिर से आवृत्ति होती है कार्य की, फिर विष्णुगुरु की स्थापना होती है और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। जरूर कोई आदि वाला देवता होगा तो जरूर कोई आदि वाला ब्राह्मण भी होगा। जो आदि ब्राह्मण सो आदि देवता, जो आदि देवता सो आदि क्षत्रिय, सो आदि वैश्य, सो आदि शूद्र, तो फिर आदि ब्राह्मण। तो आदि ब्राह्मण कौन हुआ, आदि देव कौन हुआ? तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, किसके लिए कहते हैं?
ये स्तुति जो गाते हैं वो किसके लिए गाते हैं? आदिदेव, आदिदेव है तो जरूर प्रजापिता आदि देवता भी बना है। प्रजापिता को मनुष्यों का बाप कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते। लेकिन वही प्रजापिता जब संपूर्ण पुरुषार्थ होता है तो फिर आदिदेव कहा जाता है। ब्राह्मण धन वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता वाले बन रहे हो तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कौन सा ब्रह्मा चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। ये प्रजापिता शब्द कब ऐड किया गया मुरलियों में? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद से प्रजापिता शब्द ऐड हुआ। उससे पहले के लिटरेचर में कहीं भी प्रजापिता शब्द नहीं। जो उससे पहले के जो चित्र हैं, बड़े बड़े चार चित्र, उनमें भी देखो ध्यान से कि जो दो पहले के चित्र हैं त्रिमूर्ति गोला और झाड़, उसमें तो प्रजापिता है ही नहीं। बाद वाले जो चित्र बने हैं संख्याचित में, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। उस समय वाणियों में बोला भी गया कि बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी की लिखना रंग, तुम सिर्फ ब्रह्मा माने बड़ी माँ के बच्चे नहीं हो, किसके बच्चे हो? माँ बाप दोनों के बच्चे हो। तो प्रजापिता शब्द ऐड किया गया, संस्थाओं में भी ये शब्द ऐड किया गया, नाम में लिटरेचर में भी छपने लगा और चित्रों में भी छपने लगा। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, ये ज्ञान पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं था। छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बाप का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। कौन ज्ञान देता है? माँ ही उसको ज्ञान देती है। तो सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मा ही सब कुछ नहीं है, ब्रह्मा का भी कोई बाप है, ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, क्या कहा? राम बाप को कहा जाता है, ये तो मुरली में बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि कृष्ण को प्रजा बाप कहा जाता है। कृष्ण क्या है? कृष्ण को बच्चा बुद्धि है। माने कृष्ण की सोल संगम युग में भी बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। परमात्मा बाप ने जो कुछ बोला सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा माने कृष्ण की सोल के द्वारा, वो कृष्ण की सोल नहीं समझ सकती उसकी गहराई को। इसलिए मुरली में बोला है मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। तो बाप किससे बात करते हैं? बच्चों से बात करते हैं। इसका मतलब बच्चे ज्यादा समझदार हैं, ब्रह्मा की सोल उतनी समझदार नहीं है जो सृष्टि को परिवर्तन करने में सहयोगी बन जाए। पूरी पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना ये दादा लेखराज ब्रह्मा का कार्य नहीं था, ये सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य बाप का है। जगदम्बा सहयोगी बनती है, उसको कहा जाता है असली ब्रह्मा। ब्रह्मा मानो बड़ी माँ, सारे जगत की माँ। लेकिन जगदम्बा का भी पार्ट तब अप्रत्यक्ष होता है जब उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाए। तो कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, ये तो सब उल्टी बातें बनाई गई। क्या उल्टी बातें बनाई गई? कि कृष्ण बनाम ब्रह्मा को ही क्या नाम दे दिया? प्रजापिता ब्रह्मा नाम दे दिया। माना दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दे दिया। ये टाइटल है या उनका ओरिजिनल नाम है? ये सिर्फ टाइटल है। जैसे बाप चला जाता है तो बाप का टाइटल बच्चे को मिल जाता है। पांडे जी मर गए तो पांडे जी का टाइटल बच्चे को मिल गया, पत्नी को मिल गया, श्रीमती पांडे जी। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, ये कहना भूल है। यज्ञ के आदि में भी 300-400 भगाई, ये प्रजापिता की कहानी है। नाम किसका डाल दिया? कृष्ण ब्रह्मा का नाम डाल दिया। क्यों? उन्होंने ये कार्य किया नहीं, उनके ऊपर भी कोई कराने वाला बैठा हुआ था जिसने कराया। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को बच्चे हैं। क्या कहा है? बच्चे पहले किसके होते हैं? बाप के होते हैं कि माँ के होते हैं?
माँ के होते तो माँ का स्वरूप ही चाहिए कि नहीं चाहिए, कि दाढ़ी मूछ वाला चाहिए। इसलिए मुरली में बोलते हैं परंतु ये तन पुरुष का है। क्या? ब्रह्मा का तन पुरुष का है, तो ये एक्यूरेट ब्रह्मा नहीं है। एक्यूरेट ब्रह्मा कब कहे? जब वही ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला शरीर छोड़ करके कोई साकार तन फीमेल में प्रवेश करके पाठ बजाए, तब कहे ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। क्या पुरुष तन के द्वारा गेट खुलते हैं? पुरुषों को तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में डाल दिया। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, ऐसे क्यों कहा? तब कन्याओं माताओं के लिए क्यों नहीं कहा? कन्या माताएं द्रौपदी हैं, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो, ऐसे क्यों कहा? द्रौपदियां हो, द्रौपद पाने वाली द्रौपदी हो, क्यों कहा? जरूर माता के द्वारा ही स्वर्ग का गेट का उद्घाटन हो सकता है। पुरुषों का ये काम नहीं है कि स्वर्ग के गेट खोलें। इसलिए ज्ञान कलश भी किसको दिया? माता को दिया। तो वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। माँ को बच्चे हैं, ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं सत्य में जाकर। बस इस एक ही जन्म की उथल पाथल में मनुष्यों को मुझाए दिया। गीता का भगवान कृष्ण को कह करके शिव को उड़ाए दिया है। किसने उड़ाए दिया? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये शूटिंग कर दी तथाकथित ब्राह्मणों ने। सब कहते हैं ब्रह्मा को तीन मुख थे, कितने मुझ गए। त्रिमूर्ति का जो चित्र बनाया हुआ उसमें भी ब्रह्मा के ही तीनों मुख दे दिए। ध्यान से देखा जाए 30x40 इंच के चित्र को, पुराने वाले को, जो ब्रह्मा का चेहरा है वही विष्णु का चेहरा है, मुझे हटा दी गई, और वही शंकर का चेहरा है। चेहरे में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब त्रिमूर्ति ब्रह्मा हो गया ना। अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा होता है या त्रिमूर्ति शिव है? त्रिमूर्ति शिव है। तो सब कहते हैं ब्रह्मा को तीन मुख कितने मुझे हुए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिए। जिसने ब्रह्मा को भी रचा उस रचयिता को एकदम गुम कर दिए। रचयिता ही आकर के बतलाते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ऐसे थोड़ा ही कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के पतितों को पावन बनाओ। आने का मकसद क्या हुआ? लक्ष्य क्या हुआ? पतितों को पावन बनाने। क्योंकि बीच में चला जाएगा क्या? ज्ञान सुना के ही वापस चला जाएगा? दुनिया के लिए मालूम ही नहीं है कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं माने लंबी चौड़ी कहानियां बैठ करके बताएंगे पास्ट की, और ये है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं, और रावण राज्य में बहुत दुखी है। तब होता है रावण राज्य द्वापर में होता है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। तब होता है जब राम होता है प्रत्यक्ष, तो रावण भी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। इस संगम युग में ही दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। यादव कौरव और पांडव कहाँ होते हैं? संगम युग में ही होते हैं। अब सबको रावण राज्य से मुक्त करना है। अभी बात आया हुआ है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म कब पूरे हुए? अब वापस चलना है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए। मुझे ही बुलाते थे कि दुखरता सुखरता आओ, ये मेरा ही नाम है। क्या? दुख हरता और सुख करता। कलयुग में है अपार दुख और सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने के अर्थ तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाए रहा हूँ। ये पुरानी दुनिया भी नाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं। क्या कहा? कौन से मनुष्य डरते हैं? फिर वो बाहर की दुनिया के, फिर ब्राह्मणों की दुनिया के भी डरते हैं। अरे जब वाणी में बोल दिया विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई,
तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले कच्चे ब्राह्मण पहले स्वाहा होंगे, जलेंगे, या पहले बाहर की दुनिया जलेगी? जो कच्चे ब्राह्मण हैं, आहुति डालते हैं और जरा सेक लगा और हाथ पीछे कर लिया, तो ऐसे कच्चे ब्राह्मण उनको सेक आएगा। जो बाप के असली बच्चे हैं, जिन्होंने अपने को स्वाहा कर दिया, जीते जी मर गए, वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो मनुष्य तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, इस बात से बहुत डरते हैं। समझते हैं ये आपस में लड़े नहीं, क्या आपस में लड़े नहीं तो शांति हो जाए। कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही दो तरह के ब्राह्मण हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और ईश्वरीय ब्राह्मण। तो जो समझते हैं कि आपस में लड़ाई ना हो, शांति बनी रहे, अब शांति स्थापन हो कैसे सकती है? इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी? अनेक प्रकार की धारणाएं धारण करने वाले घुसे हुए हैं, तो इतनी मान्यताओं में शांति नहीं हो सकती। बाप समझाते हैं ये इतने सब धर्म जो हैं वो पहले नहीं थे, क्या पहले नहीं थे और अब सब धर्म की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में घुस पड़ी, तो ऐसे शांति नहीं होगी। कब होगी? जो अनेक धर्मों वाले घुस पड़े हैं, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, जिनकी ढेर की ढेर प्रजा ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो चुकी है, उनका जब सबका पत्ता साफ नहीं होगा, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अभी सब मांगते हैं मन को शांति मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इस बात को तो समझो है? आत्मा में मन बुद्धि है तो आत्मा के आर्जन के लिए कहते हो? मनुष्य कहते हैं हम बहुत सुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, तो चंद मिलाकर के कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और बच्चों को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़ी जिसके लिए चित्र बने। सिर्फ मन मना भव कहने के लिए तो चित्र की दरकार ही नहीं है। क्यों? मन मना भव मन, मन मेरे में समा दे, मेरे में जरूर कोई कहने वाला है। जो बाप के संकल्प वो बच्चे के संकल्प चले, बाप जो चाहता है वो बच्चे करे, यानी संकल्प मात्र भी बच्चों का विरोधाभास न हो, उसको कहेंगे मन मना भव। वाचा में विरोध करना, कर्मेंद्रियों से कर्मणा से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मन मना भव के लिए चित्रों की दरकार नहीं है। चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजा ही मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे है? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या समझते हैं, राजयोग कौन सिखलाता है? अभी क्या समझ रहे हैं, भगवान सिखलाता है या मनुष्य सिखलाते हैं है? यही समझे बैठे हैं कि दीदी दादी दादा है राजयोग सिखलाते हैं, या कि भगवान सर्वव्यापी है? या तो कहें कि भगवान सर्वव्यापी है, या तो इस बात को मान ले कि मनुष्य राजयोग सिखलाते हैं, लेकिन दोनों ही बातें टोटल रंग। असली बात क्या है? असली बात है कि परमात्मा एक व्यापी है, एक में ही प्रत्यक्ष होता है और एक के द्वारा ही राजयोग सिखलाता है। बाप और बच्चों को याद करो वो तो ठीक है, परंतु ये डिटेल जब तक इसको समझा दे नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, कृषि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए बीज और झाड़ ड्रामा की शिक्षा जरूर बुद्धि में रहती है। जैसे कहते हैं आज हम फलाना ड्रामा देख करके आए हैं, बुद्धि में वो ड्रामा आज से अंत तक चलता रहेगा, घूमता रहेगा। कहने में सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देख करके आए। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। किसकी? ड्रामा की। सृष्टि चक्र की डिटेल तो बहुत है, ऐसा नहीं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग बस ये चक्कर हो गया। ये कोई सुदर्शन चक्र घुमाना नहीं हुआ,
ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग ये बार बार हम रटते रहे नहीं, इसकी डिटेल में जाने के लिए बुद्धि का विस्तार चाहिए। बुद्धि जितना बीज रूप स्टेज में टिकेगी उतनी ही विस्तार में जानने की ताकत वाली बनेगी, तो डिटेल भी बहुत हो जाता है। ये भी ऐसे बाप से सुख और शांति का वर्षा मिलता है। फिर बुद्धि में चक्र भी है, 84 का चक्र जरूर है, घर घर याद करना चाहिए। ये ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। क्या शूद्रों को ये ज्ञान नहीं मिलता? क्यों शूद्रों को क्यों नहीं मिलता? शूद्र तो पतित विकारी बनेंगे, विकारी बनने से बुद्धि में से सारा ज्ञान बह जाएगा। तो शूद्रों को तीसरा नेत्र थोड़े दिया जा सकता है, किसको देंगे? जरूर देवताओं को ही तीसरा नेत्र दिया जाता है। जिन्होंने देवत्व को धारण किया है, जिन्होंने पवित्रता को धारण किया है, वो ही ब्राह्मण है, वो ही देवता बनते। ब्रह्मा सु विष्णु, फिर विष्णु सु ब्रह्मा, तो मुझे देवी देवता है पुनर्जन्म लेते, फिर आकर के ब्राह्मण बने। हद का बाप से सिर्फ उत्पत्ति पालना, ये दो कार्य करते हैं। क्या कहा? जो भी हद के बाप है दो कार्य करेंगे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को कैसा बाप कहेंगे? हद का कहेंगे, बेहद का कहेंगे? वो हद के हैं, वो सिर्फ उत्पत्ति करेंगे और पालना करेंगे, बाकी अपनी जो सृष्टि है जो उन्होंने रची है उसका विनाश करने से बहुत डरते हैं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ऐसे ही है, जिन्होंने ब्राह्मणों को जन्म दिया है, तथाकथित ब्राह्मणों को नंबरवार को वो जन्म दे दिया, उनकी पालना कर दी, लेकिन जब ये बात सामने आती है कि भगवान ने बच्चे दिए और भगवान ही लेने के लिए आ गया, तो बहुत डरते हैं। तो ये कार्य सिर्फ परमपिता परमात्मा का ही है। क्या क्या कार्य है? फैमिली प्लानिंग, छोटी फैमिली बना देना, यानी दुनिया का विनाश कर देना, अनेक धर्मों का, अनेक राज्यों का, अनेक परंपराओं का, अनेक चलनों का विनाश करना। हद के बापों के मुआफिक बाप ये कार्य नहीं करते। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही न रहे, सारे रावण राजी का ही विनाश होना, नहीं तो राम राजी कैसे होगा? क्या कहा? राम राजी कब हो? जब सारे ही रावण, रावण माने रुलाने वाले, रुलाने वालों का राज्य का नाश हो जाए, जो भी रुलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, उनका खात्मा हो जाए। वहां कभी रावण को जलाती नहीं है, कहां? स्वर्ग में। और यहाँ रावण को जलाते रहते, वो दुनिया वाले तो जलाते ही है, वो तो स्थूल रावण को जलाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो राम संप्रदाय की आत्माएं हैं, वो ही ज्ञान के बाण छोड़ छोड़ करके रावण संप्रदाय वाली आत्माओं को घी को जलाने का काम करती है, इसलिए वो सब बातें यहाँ की हैं। बक्की मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती, वहां तो स्थूल पुतलों को जलाते रहते हैं। स्थूल चित्र बनाया हुआ है रावण का, चित्र बनाया हुआ है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी होना चाहिए, लेकिन वो कोई 10 सिर का नहीं होता है। 10 सिर अर्थात 10 आत्माएं संगठित होकर के कार्य करती है ब्राह्मणों की दुनिया में। यज्ञ के अंदर तुम सत्य त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वो है ज्ञान की प्रारब्ध, उसको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, पहले भक्ति अभिविचारी थी, फिर विविचारी होती है, बिल्कुल ही सुखी बन जाते हैं। सदगति दाता है ये एक बाप, ये तो समझाना है कि बाप और वर्षों को याद करो, याद किया और स्वर्ग की बात सही मिली, फिर नरक में कैसे आ जाते हैं, ये सब बातें बैठ करके समझाई जाती है। अभी तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। मनुष्यों को तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम भी ब्राह्मणों को कोई जानते नहीं है जो त्रिकालदर्शी होते हैं। तीनों कालदर्शी माना, तीनों कालों का पूरा एग्जैक्ट पता हो, ये दुनिया कब विनाश होने वाली है, कब तक नई दुनिया आ जाएगी, वर्तमान का भी पूरा ज्ञान हो, भविष्य का भी ज्ञान हो और पास्ट का भी ज्ञान हो। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर के जूतियों में बैठ जाता था,
अब ये बात महावीर के लिए क्यों कही है? है? क्यों कही है ये बात महावीर के लिए? जो साधारण पुरुषार्थी होंगे उनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि सभा में जाकर के बैठे, उन साधु संतों की सभा में जाकर के बैठे और उनके वाइब्रेशंस का मुकाबला करें। साधारण आत्माएं तो उनकी ही रग में रग मिला करके बह जाती। जो महावीर महावीरनी होंगे उनका काम है कि उन साधु संत महात्माओं जो कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझे बैठे, एक व्यापी नहीं समझते, अगर एक व्यापी समझे तो बताएं वो किस एक में व्यापक है, कहाँ है वो एक, पूरा आता पता बताएं, लेकिन नहीं बता सकते। तो ऐसे सर्वव्यापी कहने वालों की, समझने वालों की, समझाने वालों की सभा में जाकर के बैठना ये महावीर महावीरनियों का काम है। वो वहाँ बैठेंगे भी और उनके वाइब्रेशन से वाणी को नहीं सुनेंगे, किस आधार पर सुनेंगे? वो अपने वाइब्रेशन से सुनेंगे। ईश्वर का जो एग्जैक्ट अर्थ है उस अर्थ के अनुसार वाणी को सुनेंगे, उनसे प्रभावित नहीं होंगे लेकिन अपने वायुमंडल से उनको प्रभावित करेंगे। जो पत्ते कमजोर होंगे वो क्या करेंगे? उनको तो मना भी नहीं किया जाएगा तो हमारे सत्संग में ना आओ, तो पहले से ही जाना बंद कर देंगे। जो पक्के मजबूत होंगे वो तो डटेंगे, तब तक डटेंगे जब तक कि उनसे मना न कर दिया जाए। मना कर दिया, जिम्मेवारी खिलाफ, पर तो जाने की कोई दरकार ही नहीं। तो हनुमान जाकर के जूतियों में बैठता था। अब ये बात महावीर के लिए क्यों कही गई है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं, समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज योग और ज्ञान सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो अब फलाने के पास जाओ, फलाने का नाम पता बताना पड़े। क्या कह सकते हो? तुम कह सकते हो। और कोई जो महावीर महावीरनिया नहीं होंगे वो नहीं कह सकेंगे, ना समझा सकेंगे। फलाने के पास जाओ, समझाने वाला तो बहुत बहादुर चाहिए। क्या ये बात समझाने वाला कि फलाने के पास जाओ, दे अभिमान न हो, कहां भी जाकर के बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना भी चाहिए। अगर वो 10 मिनट का भी टाइम देते हैं संदली पे बैठ करके बोलने का तो भी तो बोल लेना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? ऐसे नहीं कि दूरवाद खुशबाज हो गए। दूरवाद खुशबाज माना घर गृहस्थ के कीचड़ से दूर हो गए, स्त्री पुरुष अलग अलग हो गए तो सन्यासी हो गए ना। सन्यासी हो गए फिर क्या, फिर जीतना किस बात का हुआ? साथ में भी रहे और साथ में रह करके भी विजय प्राप्त करके दिखाए। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति गृहस्थ में रहने वालों को दे ही नहीं सकता। क्यों? जरूर परमपिता परमात्मा गृहस्थी में आकर के राजयोग सिखाया होगा, ये निवृत्ति में रहकर के राजयोग सिखाया होगा, है? गृहस्थी में रहकर राजयोग सिखाया। उन सन्यासियों के मिसल निवृत्ति में रह करके घरघाट छोड़ करके राजयोग नहीं सिखाया। तो महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है और न कोई जरूरी है कि सदैव ड्रेस ही पहननी है, बल कोई भी ड्रेस पहन करके गुप्त रूप में बैठ करके सुनो। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों की सफेद पोश ड्रेस ही पहन करके जाके बैठो, नया आदमी बन करके बैठ जाओ, बहुरूपी बन करके कोई भी कपड़े पहन करके जाओ। बोलो ब्रह्मा कुमारी तो सफेद वस्त्र वाली होती है, उन्हों का तो सन्यास किया हुआ है, किनों का? ब्रह्मा कुमारियों का। हम तो घरगृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, साफ कह दो। बाप ने घरगृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को आकर के राजयोग सिखलाया, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को। भीष्म पितामह को राजयोग नहीं सिखलाया, न उनकी बुद्धि में बैठा और न उन्होंने परमात्मा का साथ दिया। तो हम तो घरगृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, ऐसे भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना है